तो रूटीन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका सुबह 11 बजे तक खत्म हुआ, फिर उसके बाद आपका काम क्या होता है 11 बजे के बाद? हमारे पर्सनल चीज है, फैमिली है, पॉलिटिक्स, नॉर्मल काम पे रूटीन काम हमारा जो भी है फैमिली के साथ हो, या मतलब आम आदमी का जो भी रूटीन होता है वैसे ही काम होता है। तो 1:30 बजे जब आपका काम शुरू होता है तो आप घर से फिर कितने बजे निकलना पड़ता है आपको रात को? तो अभी हम लोग 1 बजे निकलते हैं 1:30 बजे पूछने के लिए, हम लोग इधर ही रहते हैं, दादरा से जाते हैं वाशी के लिए, हमारे खुद के सब मतलब व्हीकल रहते हैं हमारे पास, तो हम लोग जाते हैं उससे। भाजी की एज के बारे में क्या बोला आपका? आप उस क्वेश्चन करो क्या हुआ है अभी महाराष्ट्र में ना, मतलब ये जो ओले बोलते हैं, ओले ओले की वजह से बहुत मतलब सब्जी खराब हो गई है, तो सब्जी के रेट अभी इस टाइम हाई चल रहे हैं, मतलब पूरी फसल खराब हो गई इस वक्त महाराष्ट्र में, तो इसलिए भाजी के रेट हाई हो गए हैं और सप्लाई कम हो गई है। तो इसका प्रभाव तो किसानों को भी पड़ रहा होगा? इसकी वजह से तो किसान सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि किसान की पूरी फसल बर्बाद हो गई है, किसान इसलिए सुसाइड कर रहे हैं, और पॉलिटिशियन उनको खाली आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में तो कुछ अभी तक हुआ नहीं है, कुछ मुआवजा मिला नहीं है उनको। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेन जयराम ठाकुर। आप कितने बजे से उठ जाते हो? मैं रात को 3 बजे उठता है। उसके बाद फिर आपका दिन भर आप क्या करते हो, कैसे ये सारा आते हैं, कैसे आप देश में बताओगे थोड़ा? मैं रिक्शा से आता कुरला से लोकल पकड़ के दाद में आता, मैं रहता है माड़ा कॉलोनी, वाशिना का माड़ा कॉलोनी में रहता है, तो सुबह 3 बजे उठ के हम लोग को इधर आना पड़ता है धंधे के लिए, सुबह 4 बजे हमारा धंधा चालू होता है, 8 बजे तक बीएमसी में गाड़ी आने की पहले हम लोग इधर से बंद कर डालता है, उसके बाद में फिर घर पे चले जाते हैं, घर पे जाके आराम। फिर अभी जो भाजी के रेट बढ़े हैं उसके बारे में क्या बोल रहे हैं आपका? अभी देखो ये भाजी के भी छोड़ते तो नहीं किसको भी, अभी मेरा 10 रुपए किलो खरीदी है, अभी मैं बेच रहा हूँ इस टाइम 12 रुपए किलो, मेरे को पड़ेगा एक नरम मिरम निकल के 11 रुपए किलो पड़ता है, अभी 12 बजे जब बीएमसी का गाड़ी आएगा तभी 10 रुपए बेचना पड़ता है, फिर 10 रुपए किलो खरीदी होता है 10 रुपए बेच डालता है, फिर बदल भाव। तो आपके जेब में फिर कुछ नहीं है? कुछ नहीं आता है, ये मेरा ना ये सब जितने धंधे वाले सबका यही पोजीशन चल रहा है, मंदी बाजार है, किसको भी अभी पड़ोता नहीं धंधा करने के लिए। तो सरकार के लिए पॉलिटिशियंस के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? सरकार को क्या दे देने का, सरकार को अभी क्या बोलने का, सब सरकार ऐसे ही पब्लिक जैसे वैसे सरकार भी है, सरकार को बोल के क्या फायदा है, जैसे पब्लिक चल रहा है वैसे सरकार भी चल रहा है, अभी मैं हम लोग सरकार को बोलेगा तो आप मंदी बाजार चले कुछ तो भी डिस्काउंट करो, सरकार क्या बोलेगा, हम क्या करेगा बोलेगा, हमारे भी यही तो चला बोलेगा।